अभी जिया को लेकर के जा रही थी डॉक्टर के पास, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी जिसका लग रहा है कि ही हम लोग नहीं हो पाया कुछ। लोग सीधा उन्हीं के पास आते हैं और देखते हैं क्या होता है। यह गलती देखिए हमने तो कर दी है जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। यह गलती जिया को भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, नज़रअंदाज इस बात को नहीं करना चाहिए था, लेकिन जाने अनजाने में हमसे हो गया। आप यह नहीं करना वरना बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है। चलते हैं जी पास के दुकान, कुछ लाना है वहाँ से तो ले आते हैं। और गर्मी बहुत तेज है जी, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और 7:30 बजे ऐसी धूप, इतना कड़ा धूप। दूध चाहिए था, एक पैकेट बड़ा वाला पैकेट है। मई के सीजन में इतनी ज्यादा गर्मी है, आगे क्या हाल होने वाला है। जून है, जुलाई है, भगवान जाने कैसे झेलेंगे। ऊपर से रहते हैं हम लोग टॉप फ्लोर पर तो वहाँ तो गर्मी थोड़ी ज्यादा ही लगती है। कई दिनों बाद जी कल रात हम सोए हैं अच्छा खासा नींद, कम से कम 6-7 घंटे की नींद लिए और सोए हुए थे हम यहाँ पर। कल मजबूरी में हमको यहाँ पर सोना पड़ा क्योंकि कमर दर्द काफी तेज हो गई थी। जिया का जो रूम है वहाँ पर बहुत मोटा वाला गद्दा है तो उस मोटे वाले गद्दे पर और भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने सोचा कि अब ऐसा बेड पर सोया जाए जिसका जो है चादर जो है और जो गद्दा है बहुत पतला होना चाहिए। तो इसका देख सकते हैं कितना पतला सा है यह लेयर इसका, तो इस पर सोए हैं और कमर दर्द में आराम भी मिला है। अभी 1-2 हफ्ता इसी तरह से यहीं पर सोएंगे जब तक पूरी तरह से रिकवर नहीं कर जाए। छावे नहीं लग रहा था कि उस रूम में सोया हुआ है और हम इस रूम में सोए हुए हैं। और एक प्रॉब्लम और भी आ रही थी नींद, क्योंकि आदत है लगभग 7-8 घंटा नींद लेने की, तो उसके वजह से तो दिक्कत हो रही थी जी। रात रात भर जगना होता था और अभी तक मेरा ये आंख दर्द ठीक नहीं हुआ है, आंख दर्द और इस साइड का जो सिर का भाग है, क्योंकि मेरा नींद पूरा नहीं हुआ है। जब भी मेरा नींद पूरा नहीं होता है इसी साइड दर्द करता है। तो लगता है कमर दर्द और इस आंख दर्द से रिकवर करने में समय लग जाएगा। क्या हुआ बाबू का मालिश होगा कि अभी नहाने जाएगा? आप बाबू को मालिश करके फिर बाबू जाएगा नहाने। ये देख फिर जब हम आएंगे दौड़ क्या आएगा कि जल्दी जल्दी मम्मी चाय बनाओ, दादी आ गई, दादी आ गई। जिया का यहाँ पर हो गया खाना, दाल हमेशा छोड़ देती है, दाल दाल की दाल गर्म रहता है इसलिए छोड़ती है, ठंडा होने छोड़ती है तो ऐसा ठंडा हो जाता है कि दोबारा पीती नहीं। गाँव हमारा रास्ता लग गया है कि यहाँ है रोटी, यहाँ है दही और यहाँ है भिंडी, तो जल्दी से हमारा तो भोजन यहाँ पर हो गया जी। और यहाँ पर देख रहे हैं क्या बन रहा है दीदी, आलू का, आलू परवल का रसदार सब्जी, आलू परवल का रसदार सब्जी बनेगा, भुजी का भुजिया बना और घुघनी बना रहे चना का। अच्छा अच्छा, इनका व्रत है। सही बात है, तो कुछ अच्छा सा बनना चाहिए, जरूरी भी थोड़ा छान लेना कुछ। पापड़ कहे की दो भी लेते आते हैं मार्केट से, है मार्केट मार्केट में घर में घर में है। उधर बाबू का हो रहा है मालिश, को थोड़ा सामान लाना है सुधीर जाते हैं, टाइम नहीं। क्या मजे में मसाज करवा रहा है सेठ साहब, आए हाय हाय देख रहे उठ ली गई तू देख रहते था तेरे दम। सकते हैं बाबू का अभी कुछ देर पहले सोया हुआ था, अब जगह है, मतलब नहाते समय में भी कोई नींद में है, क्या ठाट है भाई साहब। ओहो अपने समय में इसके बाप का भी कम ठाट बाट नहीं था। इस बात का अनुभव उसकी दादी का है, और दादी से ज्यादा अनुभव इसकी छोटी दादी जो है जो सहरसा में रहती है, और जो नानी स्वर्गवास हो गई उससे पूछा जाए। यहाँ पर आज फिर से आम के ब्रह्मा बनने की तैयारी चल रही है, तो आम खत्म हो गया और यूट्यूब के माध्यम से हम मोलू को खबर भेजते हैं, तो आम लेकर इमीडिएट अपने फुआ के यहाँ चले। A few moments later. तुम्हारा बाबू जो है नहा धोकर के एकदम तैयार है और देख सकते हैं एकदम सूखा बना हुआ है तोता, कपड़ा भी कुछ इसी कलर का इसको पहनाया गया है। क्या हाल है बाबू, जो भी लोग तुम्हें देख रहे हैं उसे एक बार बोलो हाय हेलो। अभी बाहर आए हुए हैं जी अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा घूमने के लिए, आज थोड़ा सा फुर्सत मिल गया तो सोचा कि थोड़ा बाहर समय बिताते हैं, वहाँ पर देख सके उन सबको। और हम लोग जब भी आते थे तो यहाँ पर आकर के थोड़ा घूमा करते थे, लेकिन अब देख रहे हैं वहाँ पर बाउंड्री हो गया है तो हम लोग वहाँ पर जा नहीं सकते, किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो बाउंड्री कभी न कभी होना ही था, लेकिन अच्छा था एक जगह घूमने के लिए। वहाँ से घूम करके आगे जी एक रेस्टोरेंट में सोचा कि थोड़ा सा कुछ खा लिया जाए, साउथ इंडियन खाने का मन था, तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट खुला है साउथ इंडियन, तो हम लोग खा रहे हैं। पर मेन्यू में तो बहुत कुछ है लेकिन मिलता है लिमिटेड चीज सभी, तो हम तो मंगा रहे हैं जी यहाँ रसम वड़ा, ये लोग शायद डोसा देख रहे हैं। हमारे यहाँ आ गया जी पेपर बोर्ड और मणिकांत स्वाद, बहुत दिनों बाद मिल गया है बोंडा, आने तो दो अभी तो देखते हैं कैसा बनता है। शुरुआत में तो उन्होंने मना ही कर दिया था लेकिन लास्ट में बोला हाँ है, तो लास्ट का कुछ लेफ्ट ओवर वाला नहीं होगा, टेस्ट मिलेगा बिल्कुल। और यहाँ का आपको एक लुक दे देता हूँ, लुक तो काफी अच्छा है, ये अच्छा एंबियंस। हमारा तो डोसा आ गया जी, मणिकांत तभी भी वेट कर रहा है अपने गोंडा का। वहाँ पे आलू वाला नहीं होता था, वहाँ पे नॉर्मल, मतलब किस चीज का बनाता था, वहाँ पे आलू नहीं होता था नॉर्मल, पता नहीं मैदा था या पता नहीं किस का था, खाना तो बहुत अच्छा था। ये खा के हम भी देखेंगे कैसा लगता है। हो गई जी पेट पूजा, अब सीधा चलते हैं घर। घर में खाना खाना है कि नहीं? नहीं नहीं खाना है, पेट भर गया है, हमको खाना पड़ेगा।
नहीं तो लग जाएगा डांट हमको। फिर इस ब्लॉग देखने के बाद दोबारा डांट जरूर लगना। उठ गए जी सोकर, अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम लोग जो है आज थोड़ा सवेरे इसलिए उठ पाए क्योंकि बाबू जो है रात में सिर्फ 1 या 2 बार उठा है, ज्यादा नहीं उठा वो इस बार, क्योंकि उसका सोने से पहले ही कर दिया गया था मालिश और उससे पहले ही अपना पेट कर लिया था क्लियर, तो इसलिए उतनी दिक्कत आई नहीं। लेकिन दिक्कत आ रही है किसको, तो माँ को दिक्कत आ रही है। जिया की हालत देख सकते हैं बगल में, जब प्रेगनेंसी के 9 महीने थे उस समय भी मैंने इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं देखा था जितना डिलीवरी के बाद देख रहे हैं। ये जिया के पेट में कर रहा है काफी तेज दर्द, उसके बाद इसका सर भी चकरा रहा है, तो सिर तो इसलिए चकरा रहा होगा क्योंकि वीकनेस है, और बाकी पेट दर्द इसलिए हो रहा है इस समय गैस और कॉन्स्टिपेशन, ये दो प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा हो रही है। गैस और कॉन्स्टिपेशन को लेकर के जी जो भी चीज लेना होता है वो सब तो सब कुछ ले ही रही है, मेडिसिन दिया ही हुआ है डॉक्टर ने, साथ में अजवाइन हरार जो भी हम लोग का घरेलू उपचार होता है सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी काफी प्रॉब्लम आ रही है। और कई लोगों से पूछ रहे हैं तो वो बता रहे हैं ये 1.5 महीने तक तो ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते ही रहेगा। तो आप लोग के पास भी कोई समाधान हो, क्या आप लोग भी इस स्टेज से गुजरे थे, तो आप लोगों ने क्या किया था जरूर बताइएगा कमेंट करके, हमें भी बहुत कुछ सीख मिलेगी। यहाँ पर चल रहा सेठ जी का मालिश, देख सकते हैं क्या मजे में मालिश करवा रहा है। देखो भाग रहा है, मालिश नहीं करवा रहा, सोता है, मालिश करने समय में भागने लगता है, भागने लगता है। ऐसे करो तभी तो सीधा होगा पे। जा 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 के हो बाबू के हो बाबू हो पैर कैसे सीधा होगा। अभी जिया को लेकर के जा रही थी डॉक्टर के पास, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी जिसका लग रहा है कि ही हम लोग नहीं हो पाया कुछ, लोग सीधा उन्हीं के पास आते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली जी जिया को डॉक्टर से दिखवा लिया है, वैसी कोई दिक्कत वाली बात कही है नहीं, उन्होंने कहा है कि बस वीकनेस है, तो इसको जो भी है प्रॉपर खाने दीजिए, और ऐसा कोई भी परहेज का बात नहीं है कि ये नहीं खा सकती वो नहीं खा सकती, जो हम लोग खाते हैं नॉर्मल डेली लाइफ में वही जिया भी खा सकती है, तो ऐसी कुछ बात हुई है। बाकी आप जिया को कैसा लग रहा है उसी से पूछते हैं, सब ठीक लग रहा है। तो कोई बात नहीं जी, यहाँ पर रुक के थोड़ा सा नारियल पानी पी रहे हैं, जिया पी ही रही है तो हम भी पी रहे हैं, पीछे सूरज भी अपना पी रहा है, चलते हैं। तो फाइनली जी पहुंच गए हैं घर, जिया वहां आराम कर रही है, जिया को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, हम तो चाह रहे थे कि यह चीज जो अभी बोलने जा रहे हैं वह जिया ही अपने खुद से बताती तो ज्यादा अच्छा रहता, और यह वीडियो स्पेशली हम इसलिए बना रहे हैं ताकि कई लोगों को मदद मिल सके, क्योंकि जब हमने प्रेगनेंसी का न्यूज अनाउंस किया था तो उसके बाद से जो कमेंट आ रहे हैं मालूम चला कि अपने जो सब्सक्राइबर हैं, कई सारे सब्सक्राइबर हैं जो प्रेगनेंसी के इस दौर से गुजर रहे हैं, तो सोचा कि हमने जो भी गलती करी है वह गलती आपने करे, यह गलती देखिए हमने तो कर दी है जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, यह गलती जिया को भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, नजरअंदाज इस बात को नहीं करना चाहिए था, लेकिन जाने अनजाने में हमसे हो गया, आप यह नहीं करना वरना बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है। तो अब मैं बताता कि बात हुआ क्या था, ये हो क्या रहा था कि जिया का जो यूरिन जो है डिस्चार्ज हो ही नहीं रहा था, मतलब बाथरूम जा रही है और यूरिन हो ही नहीं रहा है, तो इतनी प्रॉब्लम हो गई, जिया का पेट जो है एकदम पूरा फूलने लग गया, सभी लोग चिंता में आ गए आखिर हुआ क्या हुआ क्या। फिर उसके बाद जो डॉक्टर आंटी है उनको हमने मैसेज किया कि कुछ ऐसी ऐसी बात है, तो उनका जैसे ही नजर पड़ा मैसेज पर तुरंत ही उन्होंने कॉल किया और उन्होंने कहा कि प्रेगनेंसी से यूरिन का तो कोई लेना देना है ही नहीं, जो भी बाकी चीज कॉम्प्लिकेशन आते हैं कॉन्स्टिपेशन के गैस के उन सबका मेडिसिन दिया हुआ है, यूरिन को लेकर के क्यों दिक्कत आ रही है। तो हमें भी पता नहीं चला, हमने कहा कि जी हमें तो कुछ नहीं ध्यान है, तब उन्होंने कहा कि ऐसा करो सीधा क्लिनिक में आओ, तो हम लोग चले गए क्लिनिक गए, वहां पर उन्होंने ब्लड सैंपल लिया, सब कुछ अच्छे से चेक किया, उन्होंने ब्लड टेस्ट किया तो वहां पर उनको कुछ भी ऐसा नहीं मिला, तब हमने पूछा कि प्रॉब्लम क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि देखो प्रॉब्लम हो गई है कि यहाँ बहुत ही वीक हो चुकी है, और प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पानी बहुत कम पी रही है, जो कि मुझे बात भी सही लगी, सच में जिया काफी कम पानी पी रही थी, और हम लोगों ने भी यह बात नोटिस किया था, मैं कई बार प्रेशर देख करके जो है पानी पिला भी देता था तो देखता था जिया वोमिट कर देती थी, तो हमने सोचा कि या मतलब वोमिट करने से जो है और इसका बुरा असर ही पड़ेगा, वो ऑपरेशन पर असर पड़ेगा, ऑपरेशन का जो स्टिच है उसके ऊपर असर, लेकिन हमने वो गलत किया था, जिया को जो है पानी लगातार पीते रहना चाहिए था, भले ये बात सही है कि एक बार में ज्यादा ग्लास नहीं पी सकती थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही करके पाट पाट करके जिया पानी पी सकती थी, जो कि अब करना पड़ेगा और अब ऐसे ही होगा, हम भी ध्यान रखेंगे, अब तो मुझे लगता है जिया भी केयरफुल रहेगी, लेकिन जिया की अभी जो स्थिति है हो सकता है उसको ध्यान नहीं रहे, तो हम सभी को ध्यान रखना होगा और आप लोग भी ध्यान रखिएगा, डिलीवरी के बाद भी इश्यूज कम नहीं होते, हमने देख लिया, हमने लगा था कि डिलीवरी हो गई है उसके बाद जो है अब उतना ज्यादा इशू नहीं आएगा, लेकिन एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, इस समय भी अभी भी जंग खत्म नहीं हुई है या जंग जो है अच्छा खासा समय तक चलने वाला है। और जहां तक बात रही वीकनेस की, तो मुझे लगता है वीकनेस इस वजह से हुई क्योंकि जिया को जो है हम लोग काफी संभल करके खाना दे रही थी, ये खाना है वो खाना है वो खाना है, लेकिन हमें डॉक्टर ने कहा ऐसी कोई भी बात नहीं है, आपके
घर में जो भी खाना बनता है, जैसा कि हमने कुछ देर पहले बताया भी था इस वीडियो में, आपके घर में जो भी खाना बनता है वो खाना आप जिया को खिला सकते हैं, अलग से खाना बनाने की जरूरत नहीं है। तो डाइट को लेकर भी उन्होंने ऐसा कहा, बस इतना कहा कि बाहर का कोई भी खाना नहीं खाना है, तला भुना चीज, बाकी घर का जो भी सादा भोजन है खाने में कोई भी दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करते हैं जी इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली होगी, खासकर उन लोगों को जो प्रेगनेंसी के इस दौर से गुजर रहे हैं और जिनका नया नया बेबी अभी इस दुनिया में आया हुआ है। हम नहीं चाहते कि जो हमने झेला है वो आप भी झेले, रेगुलर पानी पीते रहे और रेगुलर डाइट लेते रहे, क्योंकि आपका जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी बेबी अच्छे से रह पाएगा।